स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का, ये जो है सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है इसकी यहाँ तक ट्रांसलेशन करा चुके थे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, माय ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे दोस्त थे। माय पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर। माय पेरेंट्स, मेरे पिता, किनके माता पिता, ये खुशवंत जी के माता पिता, लेफ्ट मी, मुझे छोड़ दिया, विद हर, उनके साथ, यानी कि मेरे माता पिता ने उनके साथ छोड़ दिया, किनके, दादी माँ के पास। When they went to live in the city, जब वे शहर में रहने के लिए गए, and we were constantly together, and और we were constantly, हम लगातार, constantly करते हैं continuously, यानी कि लगातार, together साथ साथ थे, और हम जो है लगातार साथ साथ थे, दादी माँ और मैं। She used to wake me up in the morning. She used to wake me up. वह मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग, सुबह को, वह मुझे सुबह के टाइम जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, एंड गेट मी रेडी, और तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, यानी कि वह सुबह जो मुझे जगाया करती थी और फिर स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। सी सैड, वह कहती थी हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना को, इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस का अर्थ है डल, यानी कि टेडियस, जो कि भद्दी या नीरस आवाज़ होती है। सिंग सॉन्ग, ऊंची नीची लय में, वह अपनी सुबह की मॉर्निंग प्रेयर को जो है एक नीरस, ऊंची नीची लय में कहती थी। सी बाथड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वाइल का अर्थ यहाँ पर जब है, जब वह मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे कंठस्थ कर लूँगा, जैसे मुँह जबानी याद कर लूँगा, यानी कि जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो वह इस आशा में मुझे जो है ये मॉर्निंग प्रेयर को जो है एक नीरस, ऊंची नीची लय में कहती थी, और यह उनको यह आशा थी कि मैं उसको जो है याद कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ से प्यार करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन नेवर मीन्स कभी नहीं, बोदर परवाह की, टू लर्न इट, इसको याद करने की, लेकिन मैंने कभी भी इसको याद करने की परवाह नहीं की। किसको याद करने की, मॉर्निंग प्रेयर को, जो दादी जी कहती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विद, सॉरी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। देन, फिर, सी वुड फेच, फेच मीन्स लाती थी, ब्रिंग, मेरी, वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट, ये लकड़ी की स्लेट जो है तख्ती को बोला है उन्होंने, यानी कि वो मेरे लिए जो है लकड़ी की तख्ती लाती थी। विच सी हैज़ ऑलरेडी, विच, जिसको, सी हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, वो धो देती थी, जिसको वह पहले ही धो देती थी, एंड प्लास्टर्ड, और लेप कर देती थी, विद येलो चौक, एक पीली चौक का, और जिसको वह जो है धोकर पीली चौक का लेप कर देती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, एक टाइनी का अर्थ होता है वेरी स्मॉल या लिटिल, अर्थन मिट्टी का बना हुआ, इंक पॉट दवात, यानी कि वह एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई दवात को, एंड अ रेड पेन, और एक लाल पेन को, लाल पेन, टाई दैम, टाई बांध देती थी, दैम, और उन सब को, इन अ बंडल, एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, हैंड इट टू मी, मुझे दे देती थी, और ये उस बंडल को वह जो है मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। सी
आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते के बाद। नाश्ते में देखिए क्या खाते थे, कि अ थिक, एक मोटी, थिक का अर्थ है मोटी, स्टेल बासी चपाती, यानी कि एक मोटी बासी चपाती, विद अ लिटिल बटर, विद साथ में क्या था उन पर, एक अ लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन, एंड शुगर और चीनी, स्प्रेड ऑन इट, इस पर रहती थी, लगी रहती थी, यानी कि वो जो है एक मोटी बासी चपाती जिस पर कि थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी रहती थी, उसको खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, स्कूल जाते थे हम, कौन, दादी माँ और खुशवंत सिंह जी स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सी कैरिड, वह ले जाती थी सेवरल, अनेक स्टील चपातीज, बासी रोटियों को, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, यानी कि वह जो है अनेक बासी रोटियों को जो है गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। नेक्स्ट है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ ऑलवेज, सदैव, वेंट टू स्कूल, स्कूल जाती थी, विद मी, मेरे साथ, बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड, क्योंकि वह स्कूल जो है अटैच्ड मीन्स लगा हुआ था टू द टेम्पल, मंदिर से। मेरी दादी माँ सदैव मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि वह स्कूल जो है मंदिर से लगा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, टॉट अस, हमें पढ़ाते थे या सिखाते थे, द अल्फाबेट, वर्णमाला को, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना को, और वह पुजारी हमें, दस मीन्स हमें जो है, वर्णमाला और मॉर्निंग प्रेयर जो सुबह की प्रार्थना थी उनको सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑफ आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वाइल, जब द चिल्ड्रन, बच्चे, सेट, बैठे होते थे इन रोज, पंक्तियों में, ऑन आइदर साइड्स ऑफ द वरांडा, बरामदे की आइदर साइड्स, दोनों किनारों में, जब बच्चे बरामदे की दोनों किनारों में बैठे रहते थे, सिंगिंग द अल्फाबेट, सिंगिंग गाते थे द अल्फाबेट, वर्णमाला को, और द प्रेयर, या प्रार्थना को, इन अ कोरस, एक समूह गान में। कोरस का अर्थ है समूह, जो समूह में गाते हैं उसे कोरस बोलते हैं, तो यहाँ पर समूह गान है, समूह में गाते थे, यानी कि जब बच्चे जो है बरामदे की दोनों साइडों की पंक्तियों में बैठते थे, तो वे जो है अल्फाबेट को गाते थे या फिर वे समूह में प्रार्थना को गाते थे। उस टाइम जो है माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इनसाइड, वो जो है अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वे जो है स्क्रिप्चर्स का अर्थ है धार्मिक ग्रंथ, वो धार्मिक ग्रंथ को पढ़ती रहती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों का काम फिनिश्ड यानी कि खत्म हो जाता था, बोथ मीन्स दोनों, वी वुड वॉक, तो हम जाते थे बैक, वापस, टुगेदर, साथ साथ, तो हम दोनों जो हैं साथ साथ वापस जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। दिस टाइम, इस समय द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते, वुड मीट अस, हमें मिलते थे एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के दरवाजे पर हमें जो है गांव के कुत्ते मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे आते थे, टू आवर होम, हमारे घर तक, ग्रॉलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग, और लड़ते हुए, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, विद का अर्थ है साथ, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, के साथ, फॉर द चपातीज, चपातियों के लिए, वी थ्रू टू दैम, जो कि हम उनको डालते थे, यानी कि जब हम अपने घर पर आते थे तो हमारे साथ में जो कुत्ते हैं, जो हम उनको रोटियां फेंकते थे, उन रोटियों के लिए लड़ते हुए, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, घुर्राते हुए, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। नेक्स्ट है, व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। When my parents, जब मेरे माता पिता ने, जब मेरे माता पिता were comfortably settled in the city, शहर में जो है आराम से सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने जो है हमें बुलाया, that sent for us, हमें बुलाया, that was a turning point in our friendship, that was a turning point, का अर्थ है
अ पॉइंट विच डिसाइड्स अ केस, यानी कि निर्णायक अवस्था या स्थिति या नाजुक बिंदु जो था, तो जो है दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, तो हमारी मित्रता में वह जो है एक नाजुक बिंदु था या एक टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, ऑल्दो यद्यपि, वी शेयर्ड, हमने जो है शेयर किया, द सेम रूम, उसी कमरे को, यानी कि एक ही कमरे को हमने शेयर किया, किसने, दादी माँ ने और मैंने। माई ग्रैंड मदर नो लोंगर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ नो लोंगर और अधिक समय तक नहीं आ सकी टू स्कूल विद मी, स्कूल में विद मी मेरे साथ, यानी कि मेरी दादी माँ और अधिक समय तक मेरे साथ स्कूल नहीं आई। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, आई यूज़ टू गो टू, मुझे जाना पड़ता था एन इंग्लिश स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल में, इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में, मुझे एक मोटर बस में स्कूल जाना पड़ता था। देर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टूक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, देर वर नो डॉग्स, वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं था, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, वहाँ पर गलियों में कोई भी कुत्ता नहीं था या कोई भी कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग, और वह ले जाती थी टू फीडिंग, भोजन कराने के लिए, स्पैरोज गोरैयाओं को, और वह गोरैयाओं को भोजन कराने के लिए ले जाती थी, कहाँ पर ले जाती थी भोजन उनका, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, यानी कि जो हमारा सिटी हाउस के कोर्ट यार्ड, यानी कि आंगन, कोर्ट यार्ड का अर्थ है आंगन, यानी कि हमारे शहर के घर के आंगन में गोरैयाओं को भोजन कराने के लिए वह जाती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by यानी कि passed on, गुजरते गए, जैसे ही साल गुजरते गए या बीतते गए, we saw less of each other. We saw, हमने देखा, less means कम, of each other, एक दूसरे को, जैसे ही वर्ष बीतते गए, हमने एक दूसरे को बहुत ही कम देखा। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, कुछ समय तक, she continued, उन्होंने जारी रखा, to wake me up, मुझे जगाना, and get me ready for school, और स्कूल के तैयार करना, यानी कि कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, तो वह मुझसे पूछती थी, वॉट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे आज टीचर ने टॉट मी पढ़ाया है, कि मुझे आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, आई वुड टेल हर, मैं उनको बताता था हर इंग्लिश, सॉरी हर उनको बताता था, इंग्लिश वर्ड्स जो अंग्रेजी के शब्द थे उनको बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पश्चिमी ज्ञान, पश्चिमी साइंस, विज्ञान और ज्ञान की थोड़ी सी चीज़ें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बींग राउंड, और जो संसार है यानी कि जो पृथ्वी है ये गोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कि जब मैं घर आ जाता था तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया, तो मैं उनको जो है इंग्लिश के शब्दों के बारे में बताता था और पश्चिमी विज्ञान और ज्ञान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता था, और ये जो है ग्रेविटी के नियम के बारे में और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में और ये कि दुनिया गोल है, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, इस बारे में मैं बताता था। This made her unhappy, यह बना देता था हर उनको अनहैप्पी, दुखी, यानी कि यह उनको दुखी कर देता था जो मैं उनको बताता था। She could not help me with my lessons, वह सहायता नहीं कर सकती थी, मी मीन्स मेरी, विद माई लेसन्स, मेरे पाठों में, वह मेरे जो पाठ थे उनमें मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द वेस्टर्न सॉरी एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रैक्ट दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स।
She did not believe. वह विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स उन चीज़ों में दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल जो कि इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी यानी कि जो इंग्लिश स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी वह उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड और परेशान थी दैट कि देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड कि भगवान के बारे में कोई शिक्षण नहीं है एंड द स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के बारे में कि धर्म ग्रंथ कि भगवान और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी शिक्षण नहीं होता है. वन डे एक दिन आई अनाउंस्ड मीन्स घोषित किया दैट कि वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स बींग गिवन दिए जा रहे हैं यानी कि पढ़ाए जा रहे हैं म्यूजिक लेसन संगीत के पाठ. एक दिन मैंने घोषित किया कि हमें जो है संगीत के पाठ जो है पढ़ाए जा रहे हैं या संगीत की शिक्षा दी जा रही है. सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड सी वह वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड यानी कि ट्रबल्ड वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई. टू हर उनके लिए म्यूजिक जो है हैड ल्यूड एसोसिएशंस उनके लिए जो म्यूजिक है वो ल्यूड कामुक एसोसिएशंस का संबंध था उनके लिए जो म्यूजिक था वो जो है कामुक संबद्धता थी. इट वॉज द मोनोप्ले ऑफ हैरलॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक. इट वॉज द मोनोपोली इट वॉज द मोनोपोली यह मोनोपोली था किसका ऑफ हैरलॉट्स वेश्याओं का एंड बैगर्स और भिकारियों का इस पर जो है वेश्याओं और भिकारियों का जो है मोनोपोली था. मोनोपोली का अर्थ है एक अधिकार था एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक और यह जो है सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं था. सी सैड नथिंग उसने कुछ नहीं कहा किसने दादी ने बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल लेकिन उनकी जो चुप्पी का अर्थ था वो असहमति थी. उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी चुप्पी जो है उनकी असहमति थी. सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट सी रेयरली उन्होंने मुश्किल से ही यानी कि कभी कभी टॉक्ड टू मी बातचीत की आफ्टर दैट इसके बाद उन्होंने इसके बाद कदाचित ही मुझसे बातचीत की या कभी कभी बातचीत की. दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.